नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका जी के निर्देशन में पूरे उत्तर प्रदेश में सेवा सत्याग्रह के माध्यम से महारसोई के कार्यक्रम के अंतर्गत शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर पुष्पांजलि कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उक्त अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र रेजा, राजेंद्र शर्मा एडवोकेट, मनीराम कुशवाहा सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्रीमती नीता अग्रवाल, शेखर नलवंशी, मुन्नी देवी अहिरवार, ज्ञानवती अमीरचंद, आर्य मुकुट, बिहारी मिश्रा, राकेश अमरैया, मनीष रैकवार, अमित चक्रवर्ती, हैदर अली आदि ने जिला अस्पताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी टीम के साथ भोजन वितरित किया। अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती के अवसर पर हमारे साथ वरिष्ठ गांधीवासी नेता राजेंद्र रेजा जी, मनीराम कुशवाहा जी सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मनीष रायकवार, मुकुट बिहारी मिश्रा जी, नीता अग्रवाल जी, मुन्नी देवी जी, तमाम लोग मिलकर हम लोग आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जो अमर शहीद हैं उन्हें नमन कर रहे हैं। आज उनकी जयंती है और हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है महारसोई का कार्यक्रम सेवा सत्याग्रह के अंतर्गत, उसमें लगातार हम लोग सेवा कर रहे हैं। आज हम जिला अस्पताल में आकर यहाँ मरीजों को, उनके जो तामीलदार हैं उनको हम भोजन वितरण करेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह सेवा भाव में कांग्रेस ने लगातार कोरोना काल में सेवा की है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को सेवा में जो लगातार लगे थे उनको गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। हम जनता को बता रहे हैं कि इस सरकार में सेवा एक अपराध हो गई है और उनको, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है बेकसूर को, उन्हें छोड़ा जाए, उन पर लगे मुकदमे वापस लिए जाए और उन्हें सब सम्मान रिहा किया जाए। इसी के तहत हम पुनः राम प्रसाद जी को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।